नमस्कार, मैं हूं दबांजलि मोइत्रा। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी हमेशा भारत और भारत के खिलाड़ियों के लिए जहर उगलते रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ उल्टा और अप्रत्याशित हुआ है। अफरीदी ने खुलासा किया है कि भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में खेले गए मैच के दौरान उनकी छोटी बेटी ने भारत का झंडा फहराया। ये बात खुद शाहिद अफरीदी ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बैठकर बताई। इस महामुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 5 विकेट से ये मैच अपने नाम कर लिया। जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने एक टीवी चैनल पर बातचीत के दौरान कहा कि इस मैच को देखने के लिए उनकी छोटी बेटी दुबई स्टेडियम में ही थी। बातचीत के दौरान अफरीदी ने आगे कहा, दुबई के स्टेडियम में भारतीय फैंस भारी तादाद में थे। वहां महज 10% पाकिस्तानी ही मौजूद थे, जिसकी वजह से वहां पाकिस्तान के झंडे भी नहीं मिल रहे थे, इसलिए उनकी बेटी भारत का झंडा फहरा रही थी। अफरीदी इस बात को बताने के बाद हंसने लगे। अफरीदी ने फिर कहा, मेरे पास बेटी का तिरंगा लहराते हुए वीडियो आया, लेकिन मैंने सोचा कि ट्वीट करें या ना करें। हालांकि अफरीदी की बेटी का तिरंगा फहराते हुए ना कोई वीडियो अब तक सामने आया है, ना ही कोई तस्वीर देखने को मिली।